पहले क्या मुर्गा बनाया, मजा आया, बहुत जबरदस्त। फैमिली के लिए निकाल लो, अपने बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए, सब के लिए, एक दूसरे को सब टाइम दो यार। तो आज ले आई हूँ मैं आपको दूध पथरी की हसीन वादियों में, जहाँ हम करेंगे फुल कैंपिंग अपनी फैमिली के साथ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और जरूर वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली एकदम जबरदस्त और मजेदार, क्योंकि यहाँ पर हमारे बड़े भैया, भाभी, मम्मी, डैडी, हम सब इकट्ठे हुए हैं। तो वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस रतन जे एंड के। तो फ्रेंड्स, ये है दूध पत्री। लास्ट व्लॉग आपने हमारा देखा होगा, रिवर साइड व्यू पर हमने बनाया था अपना लंच। तो जैसे ही हम आगे गए हैं, इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ हैं, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से लोग आए हैं टेंट लेकर, अपनी कैंपिंग कर रहे हैं, टेंट्स लगाए हुए हैं। हम भी जा रहे हैं आगे, कोई लोकेशन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अचानक से हम यहाँ से निकल रहे थे, वापस जा रहे थे श्रीनगर की तरफ, बड़े भैया और भाभी हमें मिल गए। तो सोचा है कि आज रात यहीं पर हम रुकेंगे और कुछ बनाएंगे, खाएंगे, पियेंगे और इन्जॉय करेंगे यहाँ पर। तो बस ढूंढ रहे हैं कोई रूम्स, एक्चुअली इस टाइम पर सारी बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है, डिमांड है सबकी। एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बड़े भैया और भाभी भी घूमने आए थे, तो वो भी मिल गए हमें। देखो आवाज़ सुनो, आवाज़ इतने ज़्यादा थंडर स्टॉर्म्स हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे डैडी खुश हो गया। डैडी खुश है देसी मुर्गा हाथ में पकड़ के। डैडी इन चीजों में बहुत खुश होते हैं। ये देखो जी, डैडी खुश हो गए कुकड़ू को हाथ में लेके, आज रात को देसी मुर्गा चलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस रतन जैन के। तो ये देखिए, इस समय है हम शाम को दूध पथरी, और इतना प्यारा व्यू है ना, हमारा यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं किया यहाँ से। तो एक्चुअली यहाँ पे हमें हमारे बड़े भैया भाभी भी मिल गए, वो भी यहाँ से सोनमर्ग गए थे घूमने के लिए, तो उन्होंने भी हमें यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। हमारा प्लान नहीं था रुकने का, बट अब हमारा भी यहाँ पे प्लान बन चुका है रुकने का। तो चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ थोड़ी देर में उनसे भी। तो यहाँ पर रूम्स अवेलेबल नहीं थी, हमें मिल गए हैं टेंट हाउस। तो यहाँ पे कितना प्यारा व्यू है, देख सकते हैं आप कितनी प्यारी हवा चल रही है और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है। ये मेरे जेठ जी हैं, वो आगे सुखी वहाँ पर। ये देखो भाभी, मेरे भाभी, आज हम लोगों को इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। कहाँ से आए आप, सोनमर्ग से घूम के आए ना? हाँ देखो, यूवी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, वेट कर रही थी है ना कब आएगा यूवी। ये देखो, ये झंडे उखाड़ने लग गए यहाँ पर, नहीं बचे ये चीजें नहीं करनी है यहाँ पर। तो देखो यार, इतना जबरदस्त व्यू है यहाँ का। इस समय बारिश लग गई है यहाँ पर, सुबह से हम कह रहे थे बारिश लगने वाली है, बारिश लगने वाली है, और एट लास्ट बारिश लग गई। कितना ठंडा हो गया, हम तो गर्म कपड़े भी नहीं लाए। इतने टूरिस्ट आए ना, तो सब जगह बुकिंग थी, हमें बड़ी मुश्किल से ये तीन टेंट मिले यहाँ पर, इस तरह से टेंट्स हैं, तो ये टेंट हमने ले लिए यहाँ पर। मैं दिखाती हूँ आपको, ये स्लीपिंग बैग्स हैं, इनके अंदर आना है यार। कुछ इस तरह से अंधेरा है यहाँ पर चारों तरफ, और वहाँ पे हमारे खाने में सीटी आ गई। तो ये देखो, इस तरह से हट है यहाँ पर, बना रहे हम खाना है रात का। ये देखो जी, यहाँ पर बन रहा है खाना। तो अब स्टार्ट हुआ है, लाइट अब भाई, बच्चों ने क्या शोर किया है। हाँ जी, चार्जर। हाँ तो देखो यार, रात का व्यू ये स्टार्ट हुआ है, अब मजा स्टार्ट हुआ आज की रात का। रात के 9:30 बजे तो वहाँ हमारा खाना बन रहा है, वहाँ टेंट्स लगे हुए हैं। ये लाइट आई तो रोने का, लाइट के बगैर जिंदगी नहीं है भाई, सब सुनसान हो रखा है ना, एकदम गुमसुम हो रखा था बिना लाइट के। मजा आ गया, अब असली मजा अब आया है। तो ये अब अपने आज तीनों बाप बेटे दोनों, डैडी आज खुश हुए हैं। पूरी फैमिली आज इकट्ठी हुई, इतना मजा आ रहा है ना यहाँ पर कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। देखिए तो देख लो, यहाँ पे हमारा यूबी भी आ रहा है, मन्नत भी आ रही है, बस अब गाड़ी से पॉपकॉर्न लेने जा रहे हैं। एक्चुअली आज हमने ना गाड़ी में खाना नहीं बनाया, क्योंकि यार क्या बोल रहे हो, यूबी क्या बोल रहे, गुमी गुमी। तो गुमी गुमी जा रहे हैं, आज सारा सामान हमने बाहर निकाल लिया है, क्योंकि बाहर ही वहीं पर बना रहे खाना, गाड़ी के पास यहाँ जगह नहीं थी। रूम्स वहाँ पे मिले हैं, टेंट्स वहाँ मिले हैं, तो उस हिसाब से हम आज कैंपिंग कर रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है, सारी फैमिली इकट्ठी होगी। जस्ट एक्चुअली ना आज इनकी मनोकामना पूरी हो गई, ये सुबह से बोल रहे थे।
आज डैडी मम्मी बड़े भैया भाभी सब इकट्ठे। ये सुबह से मुझे बड़े इकट्ठे होने चाहिए, मजा आएगा, मजा सारे इकट्ठे होने चाहिए तभी मजा आएगा। और वो चीज होगी यार, तो बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। ये दूध पत्थर इतनी बेस्ट जगह है, फर्स्ट टाइम हम आए और इतना मजा हम लोगों को आया ना, मैं मतलब बयान नहीं कर सकती आप लोगों को। बारिश थी उस समय जो हमने खाना बनाना स्टार्ट किया था, अब एकदम जबरदस्त हो गया, बारिश नहीं है, कुछ नहीं है, तो बस यहाँ से पॉपकॉर्न निकालते जाते हैं हमें पॉपकॉर्न बनाते। बस सबको यही कहना चाहूंगी यार, कमाओ बट इंजॉय भी करो, लाइफ को जरूरी है यार, बहुत जरूरी है यार। कहीं भी चले जाओ, मैं नहीं कहती कश्मीर आ जाओ यार, मैं नहीं कहती कश्मीर आ जाओ यार, कहीं भी जाओ, अपने घर के पास में जाओ, थोड़ा टाइम अपने लिए निकालो, के लिए निकालो, अपने बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए, सब के लिए, एक दूसरे को सब टाइम बहुत जरूरी है। जैसे हम एक समाज इकट्ठे हुए ना, इतना अच्छा लग रहा है एक दूसरे को टाइम देकर, मैं मतलब बयान नहीं कर सकती सर, इतना इंजॉय कर। हाँ हाँ हाँ, कुछ ईयर पे पड़ा। तो यहाँ पर ऐसा सिस्टम हो गया, हमने ले लिए देसी मुर्गा और ये गलने पे नहीं आ रहा है कढ़ाई में। अब सुखी भैया इसको ट्रांसफर कर रहे हैं कुकर में। हाँ सुखी भैया, दो शिफ्ट में ट्रांसफर करोगे? तो जी इस तरह से बना रहे हैं हम अपना यहाँ पर चिकन आजाद का। तो यहाँ इतनी गप्पे शप्पे चल रही है ना, तो मुझे म्यूट कर कर यहाँ पर वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि वो सब तो मैं आपको आपको दिखा नहीं सकती। हाँ बहुत इंजॉय कर रहे हैं बट हेलो, मेरी गल सुनो सनी, इस राजा भैया इतने एक्साइटमेंट सन, इतने एक्साइटेड सन, इस मोय मूड ही खराब। पता क्यों? पता के बस जब सुने ना कि तो आज की रात तो जैसे मतलब हंसते खेलते किस तरह से निकल गई हमें पता ही नहीं चला। इतना मज़ा किया सबने, और यहाँ पर हमारा खाना भी बनकर हो चुका है रेडी। ये देखिए हमने बनाया था देसी मुर्गा यहाँ पर, तो वो भी रेडी हो चुका है। क्या मुर्गा बना? मजा आया। दोनों ने मिलके सुकून आ गया ना, सुकून यार, जन्नत सच में यार। ऐसे लगता है कि कहाँ पहुंच गए हम लोग। ऐसे नहीं, ऐसे कोई नहीं कहता कि कश्मीर जन्नत है भाई। यार ये नहीं कि सिर्फ ठंड की वजह से जन्नत है, मतलब एक अलग ही सुकून, अलग ही शांति है यहाँ पर यार, मजा आ गया सच में। जरूर सबको आना चाहिए। कौन सी जगह, कौन सी जगह बता दो। तो दूध पत्थरी क्या बात, हर चीज हर जगह फेल कर दी यार, ये तो सबसे ज्यादा सुंदर जगह, बहुत अच्छी प्लेस है, माउंटेन्स भी है, ग्रीनरी भी है, नदी भी है, सब कुछ है यार यहाँ पे, क्या जबरदस्त है। और एक अलग ही एक्सपीरियंस है, टेंट्स में सोते हैं ना, इस एक्सपीरियंस ही अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी देर पहले इतनी लाइटिंग थी यहाँ पे, हम बंद कर दिए। बहुत जबरदस्त प्लेस, जबरदस्त प्लेस है। ये तीनों टेंट हमने बुक किए थे आज नाइट के लिए। दूध भी मिल गया पलक को, गरम कर लिया था। चलो ठीक है, ये सेंटर वाला हमारा टेंट है, आज इस टेंट में नाइट होनी है हमारी। आज की हमारी सुबह और ये इतनी प्यारी जगह से, तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू कितना प्यारा है। इस समय तो मैं टेंट में हूँ हमारे, तो बाहर का व्यू दिखाती हूँ आपको।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाभी, गुड मॉर्निंग भैया, वेरी नाइस मॉर्निंग, मजा आया बहुत ज्यादा। आप तो स्लीपिंग बैग के अंदर से, आपको ठंड लगनी नहीं थी। हेलो गुड मॉर्निंग, तो यार क्या है सुबह यहाँ कितना प्यारा, कहाँ रात को बारिश हुई थी इतनी और इस समय कितनी प्यारी धूप है यहाँ पर। तो इस तरह से टेंट्स बने हुए थे ये जहाँ पे हम रात को रहे, यहाँ पर हमने खाना बनाया था, यहाँ बैठ कर खाए। और ये देखो इस तरह से इग्लू हाउसेस भी बने हुए हैं, आपको ये भी मिल जाते हैं यहाँ पर एंड पे। ये देखो जी हमारा यहाँ पर कावा बन गया है, इंस्टेंट गैस पे बनाया इस समय। और इस समय का मौसम ये देखिए कुछ इस तरह का है, सारे बैठे हैं मस्ती कर रहे। फोन रुक जाओ क्या। आज तो लड्डू सरदार जी बन रहे हैं फिर से, दो दिन से लड़की बन के घूम रहा था। जब दादी साथ में होती है ना लड्डू को पूरा हीरो बना के रखती है ना। लड्डू लड्डू हीरो बन गया, लड्डू कुछ बोलता ही नहीं है, हीरो बन गया। देखो आज जूड़ी हो रही है लड्डू की और देखो जूड़ी हो रही है। तो जैसे ही हम निकले हैं यहाँ से बाहर, देख सकते हैं कितने टूरिस्ट घूमने हैं और इतना अच्छा वेदर है आज का, एकदम जबरदस्त वेदर है यहाँ पर, इतनी रौनक लगी है देख सकते हैं पूरे कितने लोग आए हैं। तो बस निकल रहे हैं इस लोकेशन से जहाँ पर रात को हम रुके थे। रेडी रेडी हो गए, बहुत जबरदस्त जगह थी, बहुत ही अच्छी प्लेस थी, बहुत ही अच्छे हमें अपना टेंट मिल गए और रात में बहुत बढ़िया स्टे हुआ है, बहुत मजा आया, इतनी अच्छी जगह थी यार। मतलब जैसी जगह से ना बिल्कुल ही, हर बार बोलते जाने का मन नहीं करता सच में यार, मुझे ठंडी जगह ज्यादा ही अच्छी लगती है, ऐसी जगह से बिल्कुल नहीं मन करता जहाँ अगर सुकून मिल जाए यार। तो चलिए चलते हैं आगे यार, ब्यूटी देखो यहाँ की, कितना बड़े मैदान ही मैदान है यहाँ पे, ग्रीन ग्रीन। ये लड्डू, सारे बैठे हैं यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, इतना अच्छा ग्राउंड है ना, आपको व्यू दिखाया मैंने, कितना प्यारा मैदान है यहाँ पर नदी के पास। कल से घूम रहे थे तो भैया लोग आगे तक गए हैं, हमने कहा यहाँ के मजे लें, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जन्नत है भाई, बहुत जबरदस्त जगह है, बहुत ही जबरदस्त प्लेस है यार दूध पत्थरी। मैंने सोचा यार छोटी मोटी प्लेस होगी यार, ये तो गुलमर्ग को फेल कर गई, इतनी जबरदस्त जगह। पता नहीं आपको हमारी आवाज आ रही होगी कि नहीं, क्योंकि इतनी तेज हवा चल रही थी यहाँ पे। बहुत जबरदस्त जगह है, व्यू दिखाती हूँ यार आपको, व्यू दिखा देना कि फ्रेंड्स व्यू यहाँ का पूरा साइड, पहाड़ की वादियाँ भी दिखा दे पूरी साइड की। देखो जी ऊपर ऊपर, अभी कह रहे थे ऊपर घोड़े जो चल के जाना, ग्लेशियर भी है ऊपर, ऊपर ग्लेशियर भी है। प्यारी जगह है फ्रेंड्स, सबको कहना चाहूंगी अगर आप जब भी कश्मीर आते हैं, प्लान बनाते हैं श्रीनगर आने का, तो प्लीज जरिए नहीं किसी किसी की माइंड सेट ऐसा बैठ गया कि कश्मीर में ना जाने क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज है, जाना चाहिए कि नहीं। बट नहीं यार ऐसा यहाँ पे कोई डर नहीं है, न्यूज में सुनाते हैं कोई कोई ऐसे बॉर्डर के एरियाज हो जाते हैं जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप आए जम्मू कश्मीर और यहाँ की ब्यूटी को इंजॉय करें यार, ये देखने वाली चीज है, जन्नत है यार, जहाँ आते ही मजा आ जाता है, सुकून आ जाता है। और ये जो प्यारी प्यारी धूप पड़ रही है ना मेरे फेस पे, इतनी अच्छी लग रही है, इतना सुकून मिल रहा है इससे। हम आते हुए दूसरे रास्ते से आए थे ना, अब इस रास्ते से हमें ऊपर जाना है, इतना ऊपर जाना है, देखो कैसी खड़ी चढ़ाई है यार यहाँ से, वो देखो वो ऊपर जाना है, ओह एकदम टॉप पे।
इतनी प्यारी जगह यार, देखो तो ये देखो यार कैसे कैसे मैदान है, खुले पूरे मैदान ही मैदान है यहाँ। तो इस समय इतने टूरिस्ट आए ना घूमने के लिए यहाँ पर, तो हमने सोचा कहीं रुक के कुछ खा लिया जाए। तो यहाँ पर लड्डू सो गया, तो उसको मैंने ड्राइविंग सीट पे इस तरह से लेटा दिया, और ये गए हैं यहाँ पर आगे पता करने के लिए कि यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। तो चलिए हम भी देखते हैं क्या मिल रहा है यहाँ पर। तो ये देखिए जी, ये बन रही है नमकीन चाय, कश्मीरी नमकीन चाय जिसको पिंक टी के नाम से जानते हैं। इस तरह से बनाते हैं बीच में कोले रख के। ये देखो जी आगे हमारी कश्मीरी चाय पिंक टी। मैं प्यार है, मैं नून चाय वाला। हाँ। तो बैठ गए हैं ये खाने के लिए यहाँ पर। तो क्या खा रहे जी आप अब? मक्के की रोटी। मजा ही आ गया। तो जी इस तरह से सेटअप है यहाँ पर, जब भी आप आएंगे देख लीजिए आगे जाते हुए, तो यहाँ पर मिल जाएंगे आपको नमकीन चाय मक्के की रोटी सब कुछ रहेगा यहाँ पर अवेलेबल यार। ये देखो जी पिंक टी हमारी यहाँ पर, ये एंजॉय कर रहे हैं, मम्मी डैडी ने भी ले ली है, आंटी बना रहे हैं। देखो जी काफी लेनी है। सब लोग बैठे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, इतना मजा आया। अभी खाई हमने मक्की की रोटी यहाँ पर, सुबह हमने बहुत ही हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट किया था, तो बस अब हैवी हो गया, अब यहाँ से निकलते हैं देखते हैं। एक्चुअली बड़े भाई आगे घूमने के लिए गए थे तो उनका ही वेट कर रहे हैं यहाँ पे, नेटवर्क्स नहीं है। ये चीज़ बता दूँ पहले ही, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं ना यार, तो ये चीज़ दिमाग में डाल कर आए, यहाँ पर आपको नेटवर्क्स नहीं मिलेंगे, तो फ़ोन से दूर रहना पड़ेगा आपको यहाँ पर कुछ दिन के लिए। कैसा रहेगा तो जरूर है यार, ऐसी जगह पे विजिट करें, बहुत सारे एडवेंचरस है यहाँ पे, पैराग्लाइडिंग है, हॉर्स राइड कर सकते हो, और भी आराम से बैठकर आप अपना खाना भी बना सकते हैं, होटल रेस्टोरेंट्स भी है। इस तरह से बस एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही मजा आया, स्पेशली जो मक्की की रोटी और साग अचार के साथ हमने खाई, इतना मजा आया उसका है ना, पिंक चाय का भी मजा आया। हम सुबह से ढूंढ रहे थे ऐसी कुछ चीज मिल जाए खाने के लिए, हमें नहीं पता था कि आगे मिलेगी, बट मिल गई हमें इतनी अच्छी चीज, बहुत ही मजा आया यार। तो फिर आप खाओ कब? ले तो सब कुछ लिया आपने, खाओगे कब? रास्ते में ही तो आप खाओगे, रास्ते में खाएंगे, बहुत से रास्ते में खाओगे आप, घर पहुंच के खाएगी।